नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे न्यू ऑफिस 2019 की। तो अभी तक जो मेरे वीडियोज आप देख रहे थे वो 2007 के वीडियोज थे, 2013 के वीडियोज थे और 2016 के वीडियोज थे। अब हम बात कर रहे हैं 2019। जी हाँ, एक्सेल 2019 मतलब कि ऑफिस 2019 जो कि नया लॉन्च हुआ है उसके बारे में। अभी आपको परचेज करना पड़ेगा या ऑफिस 365 के साथ आप ले हैं तो वो आपको ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, तो वो चीजों पे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसमें न्यू फीचर क्या आया हुआ है। जी हाँ, न्यू फीचर्स इसमें क्या क्या आया हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। ये रहा हमारा ऑफिस न्यू 2019। लेकिन लुक वगैरह सेम है, लुक वगैरह में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। जैसा 2016 था ऐसा ही लुक है, कोई नई चेंजिंग नहीं है। इसकी लिमिटेशंस भी घटे नहीं, बढ़े नहीं है। 10 लाख रो एंड आपका 16,000 समथिंग कॉलम्स है, उतने ही है यहाँ पे। तो उसमें कोई इजाफा नहीं किया है इसने। हाँ, इसमें कुछ नए नए फीचर्स, जैसे कि मैं, क्योंकि मैं दो दिन पहले ही इसको डाउनलोड किया हूँ तो मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ। जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है कि इसमें कुछ नए फीचर्स को ऐड किए गए हैं। कुछ फीचर्स जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थे, इसके लिए हम एरे और बाकी चीज़ इस्तेमाल करते थे, तो इसमें कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है। और फीचर्स क्या है, सबसे पहले इंसर्ट में आके देखें तो इंसर्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा आइकन्स। आपको नया आइकन्स दिया गया है जिसमें से नए आइकन्स आप ले सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे ऑनलाइन है। उसके बाद आपको 3D मॉड्यूल्स है, इसमें आप ये 3D मॉड्यूल्स को ऐड कर सकते हो। उसके अलावा इसमें बहुत सारे नए ऐप भी आए हैं, और इसमें एक आया है आपका मैप, जियोग्राफिकल मैप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें आप, जिसके लिए हम लोग एडिंस इस्तेमाल करते थे कि वो आपके मैप के अकॉर्डिंग से चार्ट देगा, वो यहाँ पे इसमें नई फीचर्स आए हैं। उसके अलावा जो सारा जो पुराना है वो पुराना ही इसमें दिया है, उसमें कोई खास नहीं है। तो पेज लेआउट में भी न्यू फीचर्स कोई ऐड नहीं हुए हैं। फॉर्मूला बार में कुछ नए फॉर्मूला ऐड हुए हैं, जैसे कि इफ में इफ्स, जहां हम कॉम्प्लिकेटेड इफ इस्तेमाल करते थे वहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इफ का। तो इसमें एक नया फंक्शन इफ से है। हाँ, कॉन्केट का एक नया फॉर्मूला ऐड हुआ, जैसे कि आपके पास कई सारे वैल्यू या नाम है तो उसको एक साथ कॉन्कैट करने के लिए हमारे पास कोई था नहीं, कुछ फंक्शन था नहीं, तो हमारे पास एक कॉन्केट करके आ गया, जिसमें आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें तो सबको एक साथ कंबाइन कर देगा। इसी में आपको आता है टेक्स्ट ज्वाइन। अगर आपको इसमें ए चाहिए, इनके बीच में सेपरेशन चाहिए, नहीं इसमें चाहिए हमें, यहाँ पे हम देंगे कॉमा, कॉमा के साथ इग्नोर एम्प्टी सेल, यस, एंड यहाँ पे कॉमा हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इनके बीच में कॉमा डाल देता है। ओके, कॉमा को इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा क्योंकि कॉमा इज ऑल्सो टेक्स्ट। सो या टेक्स्ट ज्वाइन का एक नया फंक्शन है आपका, तो इस्तेमाल एक न्यू फंक्शन आया है इसमें। उसके अलावा डेट एंड टाइम में कोई खास फंक्शन नहीं है। डेट एंड टाइम में कोई नया फंक्शन नहीं है, वही फंक्शन है जो था। लुकअप रेफरेंसेस में भी कोई ऐड नहीं किया गया, जो फॉर्मूला पहले जो था वही फॉर्मूला है। और मैथमेटिकल त्रिकोणमिति में आएंगे तो इसमें आपको भी, इसमें कोई खास फॉर्मूला ऐड नहीं किया गया, न्यू फॉर्मूला ये था। हाँ, इसमें स्टैटिकल्स में कुछ नए फंक्शन हुए हैं, जैसे कि मैक्स इफ, आपका जो मैक्स जिसके लिए हम लोग एरे इस्तेमाल करते थे, तो ये मैक्स इफ का इफ और मैक्स इफ्स का फॉर्मूला, इफ नहीं है सिर्फ, मैक्स इफ है इफ्स का और मिन इफ्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे लाइक सम इफ्स और एवरेज इफ्स। तो इसमें और इसमें डेटा में आपको यहाँ देखेंगे पावर क्यूरी, इसमें इसने
क्यूरी को ऐड किया गया, पावर क्यूरी इसमें इसने ऐड कर दिया है। तो एक यहाँ पे पावर क्यूरी का एक नया फीचर्स ऐड हुआ जो कि पहले नहीं था, और बाकी फोरकास्ट वगैरह ऑटोमेटिक नहीं आते थे, वो एडिंस था, यहाँ पे ऑटोमेटिक है, एडिंस हटा के इन्होंने इसका पार्ट बना दिया है। पहले इसको हम लोग एडिंस के जरिए ऐड करके फिर लाते थे, बाकी जो नॉर्मल है वही नॉर्मल है यहाँ पे। ये आपका मैनेज डेटा मॉडल, जैसे कि पावर पिवट हम लोग इस्तेमाल करते थे तो हमें ऐड करके फिर लाना पड़ता था, ये यहाँ पे देखिए इसने डायरेक्ट डाल दिया, आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें एक ट्रांसलेटर डाला गया है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इसमें कोई खास और नई चीज ऐड नहीं हुई। ओवरऑल बोला जाए तो इस बार जो आया है ऑफिस 2019 उसमें कुछ कूल फीचर्स आए हैं, लेकिन बस वही फीचर्स आए हैं जिसके लिए हम दूसरे तरीके इस्तेमाल करते थे, इसमें उसने सिंपलाइज कर दिया है। अब बाकी मैं इसको और ज़्यादा एनालाइज कर रहा हूँ, तो इसमें जो जो नए नए फीचर्स होंगे उसके डिटेल में हम आपको बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहें और हमारे वीडियोज 2019 की वीडियोज अपडेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या मेरे वीडियोज आपको नहीं मिलते हैं तो iptindia.com पे जाएं, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर YouTube पे आप सर्च करेंगे iptindia। आप हमारी ऑनलाइन वीडियोज को लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो भी परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहाँ पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।